हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज का डेट है आपका 7th of June 2023। आज मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी बैंक, निफ्टी और तीन स्टॉक बताने वाला जो प्योर इंट्राडे के लिए कल के लिए हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी भी है और उसके हिसाब से किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है आपको एक वाइज बनना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज आपने देखा होगा कि काफी लंबे टाइम से मार्केट साइडवेज में है और एक्सपायरी के दिन तो खास करके एक साइडवेज में जरूर बनता है। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का आपको आवरली चार्ट लगाया है गाइस, ये एक रेजिस्टेंस बनता दिखा है मार्केट में। अगर ये लेवल को ब्रेकआउट देता सस्टेन करता है तो एक बड़ी मूव आ सकती है। लेवल कौन सा ध्यान रखना है आपको, जो लेवल आपको ट्रेड करना है गाइस, एक बढ़िया सा मूव जो आएगा वो इसके ऊपर में देखने को मिलेगा और ये लेवल है 44,500। 44,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक जबरदस्त आपको मूव अपसाइड में देखने को यहाँ से मिलने वाला है। बट अगर मार्केट को नीचे जाना है गाइस तो आपको ध्यान से देखना होगा कि नीचे में ये वाला लेवल को अगर ब्रेकडाउन देता है कुछ इस तरीके से, तब जाकर के नीचे का ट्रेड का प्लान बन सकता है। कौन कौन सा लेवल पे ट्रेड किया जा सकता है मैं आपको दिखा दूं। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो ही हम बेयरिश होंगे, 44,100 के नीचे आएगा तो ही हम बेयरिश होंगे। अदरवाइज गाइज इसके बाद मार्केट अगर ओपन होता है इस बीच में कहीं पर भी और ऊपर में अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा ट्रेड है ऊपर का, अगर यहां से नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे का ट्रेड बन सकता है। दोनों तरफ का फिलहाल मार्केट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। चलिए आपको निफ्टी दिखाता हूँ, यहाँ पे निफ्टी किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। निफ्टी में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी साइडवेज बना था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और ऊपर में ट्रेड कर रहा है। अगर आप डेली का टाइम फ्रेम देखें तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा सा कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया है तो इसे कंटिन्यू कर जाना चाहिए। मार्केट को इसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस छोटा सा है जो कि है 18,900 के आसपास का, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाना चाहिए, थोड़ा साइडवेज करके सेकेंड हाफ में निकलना चाहिए। 2-2.5 बजे के बाद एक अच्छी मोमेंटम हो सकती है क्योंकि फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ तीन स्टॉक वो कौन से हैं जो कल इंट्रा डे के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं। तो उनमें जो सबसे फर्स्ट पीक है गाइस उसका नाम है रिलायंस। पहले रिलायंस को एनालिसिस कर लेते हैं यहाँ पर राइट। ये रिलायंस का आपको 1D का चार्ट लगाया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक अच्छा सा आप देख सकते हैं साइडवेज बनाया था, कंसोलिडेट किया था, बट यहाँ से गाइस ब्रेक कर सकता है। इंट्रा डे का अगर आप लेवल देखें तो इसे अगर कंटिन्यू करना है तो इसके ऊपर निकलना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर 2500 एक क्रूशियल लेवल है, 2500 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग इसे बाई करेंगे। 2480 के आसपास का एसएल होगा और 2:1 का रिस्क रिवार्ड लेके इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है रिलायंस में। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पर टीसीएस। टीसीएस को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टीसीएस में आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिखा था, ट्रेंड लाइन पे आने के बाद यहाँ पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर इंट्राडे में हमें ट्रेड करना है तो क्या करना होगा, इसके हाई को ब्रेक होना होगा, यानी कि 3275 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग इसे बाई करेंगे। स्टॉप लॉस गाइस 20 पॉइंट का, 40 पॉइंट का हम लोग का टारगेट हो सकता है इंट्राडे में। उसके बाद आप देखें यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टॉक हमने लेकर का है आपके लिए, उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में अगर ट्रेड करना है कल तो आपको 2417, ये देखिए लेवल 2417 के ऊपर अगर निकलता है तो ट्रेड करेंगे। 12 से 13 पॉइंट का एसएल होना चाहिए और 2:1 का रिस्क रिवार्ड के साथ इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस उसका नाम है लॉरस लैब। लॉरस लैब में अगर आप देखेंगे ये लेवल एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बनता दिखा है, 350 के ऊपर बाई करेंगे। अगर इस रेंज में ओपन होगा, 350 के ऊपर निकलता है तो इसे हम बाई करते हैं। यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट का टारगेट होगा गाइस, 2 से 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ लॉरस लैब को इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर मुझे, मैं दोबारा बता दूं, जो स्टॉक मैंने आपके लिए पिक किया है उसका नाम है रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टीसीएस एंड लॉरस लैब। कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनमें चार में से कौन सा स्टॉक है जिसके ऊपर आपकी नजर है और किस कौन सा लेवल पे आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आपका कमेंट में मुझे इंतजार होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा। चलिए आज के लिए यहीं पर रहने देता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।